पूरी दुनिया कोरोना वायरस से जंग लड़ रही है, अपना भारत भी इससे अछूता नहीं है और यहाँ की सरकार भी जरूरी कदम उठाने में जुटी हुई है। जिस वक्त देश कोरोना से लड़ाई लड़ने में बिजी है, ऐसे टाइम में बुरी खबर आई है छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले से। यहाँ नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में 17 जवान शहीद हो गए हैं। ये मुठभेड़ 21 मार्च को हुई थी। मुठभेड़ के बाद ये जवान लापता थे और अब आखिरकार 22 मार्च को इनके शव बरामद कर लिए गए हैं। बस्तर आईजी पी सुंदरराज ने 17 जवानों की शहादत की पुष्टि करते हुए बताया कि मुठभेड़ में घायल 14 जवानों को इलाज के लिए रायपुर लाया गया है। आखिर ये सब हुआ कैसे? असल में मिनपा इलाके में नक्सलियों की नंबर 1 बटालियन की मौजूदगी की सूचना मिली थी, जिसके बाद चिंता गुफा और आसपास के कैंपों से एसटीएफ, सीआरपीएफ और डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड यानी डीआरजी की टीमों के लगभग 600 जवानों को जंगल में भेज दिया गया। बताया जाता है कि सर्च ऑपरेशन के बाद वापसी में जब सुरक्षा बल राजगुड़ा गांव के पास पहुंचे तो नक्सलियों ने घात लगाकर जवानों पर अंधाधुंध फायरिंग करनी शुरू कर दी। पुलिस की माने तो 21 मार्च की दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक जमकर फायरिंग होती रही। नक्सलियों के साथ जवानों ने जाबाजी के साथ मुकाबला किया, पर इस दौरान दस्ते को एकजुट रखने वाला ट्रैकिंग डिवाइस ही कहीं गुम हो गया, जिससे सुरक्षा बलों का दस्ता बिखर गया और उसके बाद ये हादसा हो गया। सुकमा एसपी और बस्तर आईजी लगातार घटना की निगरानी में लगे रहे। डीजीपी डीएम अवस्थी ने 21 मार्च को मुठभेड़ होने की पुष्टि तो कर दी, लेकिन शहीदों या घायलों की संख्या को नहीं बता पाए। उनकी तरफ से यही कहा गया कि जब तक पूरी टीम लौट नहीं आती वो इस बारे में कुछ भी नहीं बता सकते, पर 22 मार्च को ये सब साफ हो गया। सुबह ही लापता जवानों की खोजबीन के लिए बड़ी संख्या में टीमों को रवाना किया गया। सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों के 17 जवानों के शवों को बरामद कर लिया गया। छत्तीसगढ़ पुलिस की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक शहीद जवानों में 5 एसटीएफ और 12 डीआरजी के जवान शामिल हैं। राज्य के नक्सल प्रभावित बस्तर इलाके में सुकमा जिले के चिंतागुफा थाना क्षेत्र में ये मुठभेड़ हुई थी। इसमें 5 नक्सलियों के मारे जाने की भी सूचना है। घायल जवानों को हेलीकॉप्टर से रायपुर लाकर रामकृष्ण केयर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल 14 में से 3 की हालत अभी नाजुक बतलाई जा रही है। इस घटना के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अधिकारियों की आपात बैठक बुलाई और कहा कि पूरे मामले की अच्छे से जांच की जाए और दोषियों को कड़े से कड़ा दंड देने से भी परहेज न किया जाए। बाकी शहीद हुए इन जवानों के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, ये हमें कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।